भैया? वो मिक्सचर है। मिक्सचर है, ये कैसे है? ये 50 रुपया पाव है। 50 रुपए का पाव यानी कि 200 रुपए किलो। और ये भैया? ये लहसुन का। लहसुन का अचार, ये कैसे है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। ये तो करेला का दिख रहा है, करेला का अचार कैसे? वो 120 रुपए किलो। 120 रुपए किलो। मजा आया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से स्वागत है खास स्पेशल ब्लॉग लेकर। मैं बता दूं कि आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया और टाइटल में पढ़ लिया, जी हाँ, सोनपुर का मशहूर एक से एक अचार की वैरायटी आपको हमारे इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोनपुर मेला ही में इतना अवेलेबल होता है। और जगह जल्दी खोजिएगा तो मिलेगा नहीं इतना वैरायटी, लेकिन सोनपुर मेले में हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जो सब जगह नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कुछ आज पूरी अचार के बारे में जानकारी आपको दिया जाए। राजेश भाई हैं, वो आज हमारा सपोर्ट करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा अचार है और किस प्राइस का है, कैसे किलो है, कैसे कितना, कम से कम कितना मिलता है, ये सारी जानकारी हमारे राजेश भैया देंगे। राजेश भैया, थोड़ा सा इधर से आप हमें बता दीजिएगा, थोड़ा सा ये किस चीज़ का है? ये बरहर का। बरहर कैसे होता है? KG 140 रुपये। 140। और कम से कम कितना लिया जाता है? कम से कम 120 रुपये के जी। 120 रुपये के जी। और अगर मतलब क्वांटिटी में कितना लेना पड़ेगा कम से कम? क्वांटिटी में वही कम से कम, जैसे 100 ग्राम लेना होगा या कम से कम 250 ग्राम लेना होगा? 100 ग्राम लास्ट, उससे कम नहीं ना मिलता है। तो अगर आप कोई भी अचार लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 250 ग्राम ही मिलेगा। 250 ग्राम ही मिलेगा। हाईएस्ट जो प्राइस है कितना है अचार का KG के हिसाब से? सबसे ज़्यादा 400 रुपये किलो। सबसे महंगा अचार यहाँ 400 रुपये किलो है। बहुत सारी वैरायटी मैं दिखलाता हूँ, और कम से कम आपको 250 ग्राम लेना होगा। सबसे कम KG कैसे है? 120 रुपये। और सबसे कम KG का जो अचार है वो 120 रुपये का है। तो ये बरहर का आपने देखा 120 रुपया। फाइनल प्राइस भैया बताते जाइएगा, ये क्या है भैया? वो मिक्सचर है। मिक्सचर है, ये कैसे है? ये 50 रुपये पाव है। 50 रुपये का पाव यानी कि 200 रुपये किलो। और ये भैया? ये लहसुन का। लहसुन का अचार, ये कैसे है? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। ये तो करेला का दिख रहा है, करेला का अचार कैसे? वो 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। ये आंवला का। आंवला का अचार है, ये कैसे भैया? वो 140 रुपये। 140 रुपये किलो है। और ये भी मुझे अचार दिख रहा है, ये अचार किस चीज़ का है? कटहल का। कटहल का अचार है, ये किलो? किलो वही 130 रुपये। 130 रुपये किलो। और ये? ये ओल का। ओल का अचार, ये कैसे होगा? 120 का। ये आम का अचार हो गया। आम का अचार कैसे भैया? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। और ये? ये बांस का, कॉपर का अचार। बांस के कॉपर का, ये कितने का आएगा KG? ये 160 रुपये। 160 रुपये किलो। ये तो आंवला का हो गया। आमला का। आमला का। आमला का कैसे है? 120 का KG। 120 रुपये किलो। और ये? ये मिक्सचर। मिक्सचर है। क्या क्या मिला हुआ है इसमें? इसमें 12 प्रकार का अचार मिला हुआ है। 12 प्रकार का अचार है। कटहल है, गाजर है, मूली है, सब चीज, आम है, अमरा है, गाजर है, मूली है, सारा अचार इसमें मिक्सिंग है। ये कैसे है KG? 120 रुपये। और ये मिर्च, हरी मिर्च की कैसे होगा? 30 का पाव है, 120 का किलो। 30 रुपये पाव, 120 रुपये किलो हरी मिर्च का अचार। ये तो वही प्राइस है अमरा वाला, और ये तो वही है। और ये लाल मिर्च की कैसे है? ये 80 का पाव है। 80 रुपये पाव, इतना यानी ये महंगा पड़ रहा नहीं। अब वो कौन सा अचार है? ये करौंदा का। करौंदा का कैसे पड़ेगा भैया? ये 80 रुपये पाव है। अब वो जो है, क्या है वो? ये आम का खट्टा मीठा है। आम का खट्टा मीठा, वो कैसे पड़ेगा? 200 रुपये KG है। 200 रुपये किलो। और वो जो सबसे किनारे हमको लग रहा है वो? और ब्लैक वाला। हाँ, ब्लैक वाला इमली का है, वो खट्टा मीठा। इमली का खट्टा मीठा 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। और ये? ये आंवला का मुरब्बा है। आंवला का मुरब्बा, ये कैसे आएगा? ये 80 रुपये पाव है। 80 रुपये पाव आएगा। ये तो वही आइटम है, सब वही आइटम है। ये क्या था? ये लहसुन मिर्चा अदरक। लहसुन मिर्चा अदरक, ये कैसे आएगा? ये 200 रुपये। 200 रुपये KG। तो 400 रुपये KG कौन आता है भैया? ये आंवला। अच्छा, आंवला का खट्टा मीठा वाला? जी नहीं, ये मीठा खट्टा नहीं है। अच्छा, मीठा है। तो सबसे महंगा जो हुआ वो आंवला का ही हुआ, 400 रुपये किलो, है ना? कम से कम 250 ग्राम लेना पड़ेगा ना, कम से कम 250 ग्राम लेना होगा। तो ये थे राजेश भैया। भैया आपका नाम क्या है जी? आपका नाम? मेरा नाम कल्लू। तो ये कल्लू भैया थे, इन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया, मुझे भी और आपको भी प्राइस बताने में। तो ये सब आपको जनरली, भैया आप आए कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड का कौन सा है? रांची। रांची से। तो रांची के हैं भैया, और ये अचार आपको एक से एक वैरायटी देखने को मिलेंगे। और भैया ये तो हर जगह नहीं मिलता है, सोनपुर मेला में ज़्यादातर मिलेगा ऐसे। तो मैं कहीं एक बास्की जाते मिलता है कि यहाँ दो ही जगह। अच्छा, वही ना, एक बास्की ना आते कि यहाँ।
तो फ्रेंड मैंने आपको सारा का प्राइस बताया, कितने तरह का अचार होता है सोनपुर मेले में, आपको किस किस तरह का अचार मिल जाएगा, किस प्राइस में मिलेगा, मैंने सारी जानकारी दी। भैया कहना है कि 32 प्रकार की वैरायटी आपको अचार की मिल जाएगी, लेकिन 32 प्रकार तो हम लोग को नहीं मिल नहीं पाया होता है, ला नहीं पाए। अच्छा, 32 प्रकार का अचार होता है, लेकिन भैया कह रहे हैं कि हम ला नहीं पाए। अभी कम से कम कितना वैरायटी है भैया यहाँ पर? अभी 10 से 15 वैरायटी का अचार है जो मैंने आपको बताया। तो यही स्टॉल है चिड़िया बाजार के जस्ट बगल में है, आप आइए, बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है, लेकिन कंडीशन ये है कि 250 ग्राम से कम नहीं मिलेगा आपको। तो कैसा लगा ये ब्लॉग आप हमें बताइए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस तरह का ब्लॉग अभी बहुत सारा आता रहेगा। चलिए कुछ और खास ब्लॉग लेके आपके पास आते हैं, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।